हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम है विपिन बहुगुना। आप देख रहे हैं बैक बेंचर्स क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे आपका फेवरेट टॉपिक, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, क्लास 12th पार्ट 1। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 12th पार्ट 1, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। लिखेंगे मेरे साथ क्या होता है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, देखेंगे फटाफट से। बच्चों, पार्टनरशिप में हम चलते चलते आगे बढ़ गए। अब पार्टनरशिप में एक दिक्कत आई। सर, दिक्कत क्या आई? मेरे बच्चे, दो पार्टनर्स थे, एक का नाम था रामचरण, एक का नाम था रामचरण, दूसरे का नाम था नीरव मोदी। नीरव मोदी, तो रामचरण और नीरव मोदी ने सोचा कि यार बहुत हो गई अकेले अकेले पार्टनरशिप, क्यों ना नए पार्टनर को एडमिशन दे दिया जाए। इन्होंने क्या किया, नए पार्टनर को एडमिशन दे दिया। मान लो वो नया पार्टनर है मेरे छोटे छोटे बच्चों विजय माल्या। ये कौन है बच्चों? विजय माल्या। ये कौन है बच्चों? विजय माल्या। बात समझ में आती है? बात समझ में आती है कि नहीं आती है? हाँ सर, बिल्कुल आती है। ये है विजय माल्या, नया पार्टनर एडमिशन होना चाहता है। हम वही पढ़ रहे हैं, आप न्यू पार्टनर है हमारी पार्टनरशिप फर्म में, एडमिशन इसका चाहता है। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर चैप्टर का नाम है बच्चों। दो एग्जिस्टिंग पार्टनर है और ये दो एग्जिस्टिंग पार्टनर नए पार्टनर का एडमिशन लेना चाहते हैं। तो क्या दिक्कत है सर, लेने दो एडमिशन? दिक्कत है बच्चों, दिक्कत बहुत तगड़ी दिक्कत है। ये दोनों पार्टनर्स विजय माल्या को कहेंगे, देखो विजय माल्या, हमारा कुछ रिजर्व पड़ा है। इस रिजर्व में, मान लो ये 1 लाख का रिजर्व है, इस रिजर्व में विजय माल्या जी सिर्फ हम दोनों का हक है। इस रिजर्व में सिर्फ हम दोनों का हक है, क्योंकि ये पुराना रिजर्व है। आप तो अभी अभी आए हो, आप कैसे हक जमा सकते हो इस रिजर्व में? विजय माल्या बोलता है, ठीक है, एक काम करो, तुम इस रिजर्व को आपस में बांट लो, फिर मैं आ जाऊंगा आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं, मुझे मत दो इस रिजर्व में कोई हिस्सा। यानी एक रिजर्व के डिस्ट्रीब्यूशन में दिक्कत आ सकती है। दूसरी दिक्कत क्या आ सकती है मेरे बच्चे? पहले इनकी रेशियो थी 1:1, अब विजय माल्या के आने से इनकी एग्जिस्टिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी चेंज होगी कि नहीं होगी, जल्दी बताइए। सर बिल्कुल चेंज होगी एग्जिस्टिंग प्रॉफिट रेशियो, क्यों नहीं चेंज होगी बेटा? होनी होनी है। दो एग्जिस्टिंग पार्टनर थे, पहले वो एक रोटी में आधी रोटी एक खाता था, आधी रोटी दूसरा खाता था। अब सडनली कौन आ गया? विजय माल्या आ गया। विजय माल्या को भी तो रोटी देनी पड़ेगी। तो सर इसका मतलब दूसरी दिक्कत क्या आई? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज आ गया एडमिशन ऑफ अ पार्टनर से। सर और भी कोई दिक्कत आ सकती है? बिल्कुल आ सकती है बच्चों। तीसरी इंपॉर्टेंट दिक्कत जो इस चैप्टर में 4-4 मार्क्स के क्वेश्चन में लेकर आ जाती है, तीसरी इंपॉर्टेंट दिक्कत है बच्चों, गुडविल। ये गुडविल में हक, मान लो गुडविल है 10,000 की फर्म की। मेरे बच्चों, ये गुडविल में हक किसका हक है? सर ये गुडविल में हक है रामचरण और नीरव मोदी का। क्यों? विजय माल्या का क्यों नहीं है? मेरे बच्चे, गुडविल क्योंकि पास्ट में की गई मेहनत से जनरेट होती है। तो रामचरण और नीरव मोदी विजय माल्या को बोलेंगे, देखो विजय माल्या भाई साहब, आप अभी आ रहे हो ठीक है, लेकिन आपके आने के बाद फ्यूचर में आपका भी हक बन जाएगा इस गुडविल में। बनेगा कि नहीं बनेगा बेटा? क्योंकि अब तो तीनों पार्टनर्स बन जाएंगे, तो आपको फ्यूचर में फायदा होगा, इस गुडविल का कुछ हिस्सा आपको भी मिल जाएगा भविष्य में जब विड्रॉल करेंगे हम सब चीज। तो ऐसे तो गड़बड़ बात है, ये तो हमने मेहनत करी है। ओल्ड पार्टनर्स विजय माल्या से कहेंगे कि देखो विजय माल्या, ये क्योंकि हमारी मेहनत का हिस्सा आपको भी मिलेगा फ्यूचर में, तो एक काम करो ना विजय माल्या, आप अभी इसी वक्त एडमिशन के दौरान ही अपनी गुडविल कैश में लेके आ जाओ। बात बराबर हो जाएगी तब भी? बोलो हाँ या ना, जल्दी बताओ, आप मेरे से बड़े ज्ञानी बच्चे हो। हाँ सर, बात तो बराबर हो जाएगी। तो हम जब गुडविल का ट्रीटमेंट करेंगे न्यू पार्टनर्स के केस में, तो नया पार्टनर गुडविल का हिस्सा अपने घर से कैश में लेके आ जाएगा। देखेंगे और भी डीप में पढ़ेंगे हम इस कॉन्सेप्ट को। यानी कि आपने नटशेल में ये पढ़ लिया कि नए पार्टनर के आने से गुडविल में दिक्कत है, रिजर्व में दिक्कत है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो जाएगा, और भी कुछ दिक्कतें का सामना करना पड़ेगा एडमिशन ऑफ अ पार्टनर वाले चैप्टर में। बोर्ड में इसकी हिस्ट्री रही है बच्चों, 8-8 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर से। तो देखेंगे हम कैसे क्वेश्चंस आएंगे 8-8 मार्क्स के। तो पहले आज हम एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में सबसे पहला टॉपिक पढ़ेंगे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का, क्योंकि मेन मुद्दा तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का ही है बच्चों। मेन मुद्दा विजय माल्या के आने से एग्जिस्टिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। तो वो कैसे पढ़ने वाले हम, आइए देखेंगे। लिखेंगे मेरे साथ टॉपिक नंबर 1, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में। बच्चों हम क्या लिखने जा रहे हैं? बोलो बच्चों। सर हम लिखने जा रहे हैं एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, चैप्टर का नाम है
और इसमें टॉपिक वन हम पढ़ेंगे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है बच्चों, आइए फटाफट से टॉपिक नंबर वन। टॉपिक वन लिखेंगे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्या पढ़ने जा रहे हैं बच्चों हम, कि एडमिशन ऑफ अ पार्टनर को आने से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या चेंज आ गया। तो आइए फटाफट से, कोई केसेस आप याद नहीं करेंगे, केस नंबर वन में ये होता है, केस नंबर टू में वो होता है, बस टीएस ग्रेवाल बुक ले और क्वेश्चन करते चले जाएं। क्योंकि बेटा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन की अंग्रेजी का फेरबदल होगा, जैसे जैसे अंग्रेजी बदलेगा वैसे वैसे हमारा सोल्यूशन भी बदलता चला जाएगा। तो क्या आप लोग तैयार हैं? हाँ सर, हम लोग तैयार हैं। निकालेंगे, मेरे पास टीएस ग्रेवाल 2018 एडिशन है मेरे बच्चा, आप निकालेंगे न्यू बुक के अनुसार पेज नंबर 4.3, पेज नंबर 4.3 निकाल रहे हैं आप और इलस्ट्रेशन नंबर 1 कर रहे हैं। एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट चल रहा है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का। क्या आप लोग रेडी हैं? बोलो हाँ या ना। सर हाँ, हम बिल्कुल रेडी हैं। तो आइए फटाफट से सॉल्व कर रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 1। हम सॉल्व कर रहे हैं बेटा, टॉपिक क्या चल रहा है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। हाँ सर हाँ, हमें पता है सर, आप लिखो। ठीक है, फिर मेरे बच्चे क्वेश्चन बोल रहा है ए एंड बी दो पार्टनर्स हैं, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:3। दिख रहा है आपको क्वेश्चन? बोलो हाँ या ना। सर बिल्कुल दिख रहा है। ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 5:3। आप जानते हैं 5:3 का मतलब क्या है? 5:3 का मतलब है पूरे प्रॉफिट के 5, 6, 7, 8 हिस्से होंगे, जिसमें से पांचवा हिस्सा ए लेके जाएगा और तीसरा हिस्सा बी लेके जाएगा। ये मतलब होता है, मैं आपको इस बारे में बता भी चुका हूँ पीछे। ठीक है सर, आप बता चुके हो। सर ये क्या लिखा है, सी इज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर। हाँ बच्चों, सी का एडमिशन होता है 1/4 शेयर के लिए। आगे क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर्स। मेरे बच्चे आपको मैं एक राज की बात बताता हूं, जब क्वेश्चन इतना ही लिखा हो कि सी का एडमिशन हो रहा है 1/4 शेयर के लिए और कुछ नहीं बता रहा सी को ये 1/4 शेयर कैसे मिल रहा है, कौन दे रहा है, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन? आप जो मैं अब सॉल्व करने जा रहा हूं वही स्टेप फॉलो कीजिएगा, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड इसी स्टेप्स के मार्क्स देगा, कोई और स्टेप्स के मार्क्स आपको नहीं देगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जब क्वेश्चन खुद बोले कि भाई साहब सी एडमिशन हो रहा है 1/4 शेयर के लिए और कुछ नहीं बता रहा, क्वेश्चन साइलेंट है, कुछ बता ही नहीं रहा कौन कितना शेयर कर रहा है, सैक्रिफाइस या गेन। अच्छा सर ठीक है, आप आगे बढ़ो। आप लिखेंगे स्टेप नंबर 1 में मेरे बच्चे, हम ये मानते हैं कि सी का जो 1/4 शेयर सी को मिलेगा वो ए और बी ही देंगे, अपनी अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही देंगे बेचारे को। ये अज्यूम किया जाता है, ये अजम्पशन है बेटा पूरी पार्टनरशिप में। अच्छा सर कैसे सॉल्व करेंगे, आइए लिखे बच्चा, मुझे बताएं। लेट टोटल शेयर बी 1 अगर मैं मान लूं, मान लो पूरे बिजनेस में एक रोटी है, एक में से 1/4 रोटी कौन खाना चाहता है, जल्दी बताइए। सर सी खाना चाहता है 1/4 रोटी, तो बताओ रिमेनिंग रोटी हमारे पास कितनी बचेगी। हाँ सर हमें पता है, लिखेंगे फटाफट से रिमेनिंग शेयर इज इक्वल टू 1 - 1/4। सर ये हमें इतनी गणित तो आती है, 3/4। बोलो हाँ या ना, क्रिस्टल क्लियर है बात या नहीं क्लियर है, जल्दी बताएं, आप मेरे से बड़े ज्ञानी बच्चे हैं। सर बात क्रिस्टल क्लियर है। सर ये रिमेनिंग शेयर किनको मिलेगा, आप बताओ बच्चों, आप बताओ, ये रिमेनिंग शेयर मिलेगा ए और बी को। एग्री करते हो इस बात से नहीं करते, जल्दी बताओ, आप मेरे से बड़े ज्ञानी हो। सर हाँ बिल्कुल एग्री करते हैं, ए और बी को ये रिमेनिंग शेयर मिल जाएगा, किस रेशियो में मिलेगा, ये अजम्पशन है पूरी पार्टनरशिप का, जब क्वेश्चन साइलेंट हो तो इसी रेशियो में मिलेगा ए और बी को ये रिमेनिंग शेयर। सर कैसे मिलेगा, आओ फटाफट से मेरे साथ साथ लिखेंगे, जो पीछे रह भी गया है वीडियो पॉज कीजिए और फिर साथ साथ आ जाइए, टेंशन थोड़ा ना लेनी है बच्चों। हाँ सर ठीक है, मुझे बताइए ए का नया शेयर कैसे आएगा। सर ए का नया शेयर आएगा 3/4 शेयर बचा है, जिसमें ए को मिलेगा उसके पुराने शेयर का हिस्सा 3/4 का, ये कितना होता है मेरे बच्चों 5/5, 6, 7, 8 बोलो हाँ या ना। आप भी कॉपी पेंसिल लेके बैठेंगे बच्चों, सुन रहे हो मेरी बात, और सॉल्व करेंगे मेरे साथ साथ, क्योंकि आपके सर को कैलकुलेशन नहीं आती, आपको बताना है सॉल्व करके कैलकुलेशन क्या होगी। फटाफट से आप भी कॉपी पेंसिल लेके बैठेंगे, सुन रहे हो मेरी बात। हाँ जी सर, सर ये कितना होता है 5 × 3 = 15, 4 × 8 = कितना होता है मेरे बच्चों 32 रुपया। क्लियर हो रही है बात, क्लियर हो रही बात, बोलो हाँ या ना। सर हाँ,
सर बी का नया शेयर कैसे आएगा जल्दी बताइए। बी का नया शेयर आएगा बेटा 3/4 में, बी को कितना शेयर मिल जाएगा 3/4 में, बी को कितना शेयर मिल जाएगा मेरे बच्चों? सर कितना मिल जाएगा जल्दी बताएं? 3/8। सर ये कितना होता है? 3 3 जा 9, 4 8 जा 32 है सर। यानी ए का नई फर्म में शेयर होगा 15/32, बी का नई फर्म में शेयर होगा 9/32, और सी का नई फर्म में शेयर कितना है? क्वेश्चन ने खुद बता रखा है 1/4। क्लियर है बात? सर एक बात बताएं प्लीज, आप बुरा मत मानना सर, सर यहां पे सब 32 32 है एलसीएम में और यहां पे 1/4 है सर, ये तो अच्छा नहीं लगता ना। तो सर इसको भी बेस सेम लेके सेम कर दो। बिल्कुल सही पकड़ा तुमने बच्चों, बेस लेके हमें सेम करना ही पड़ेगा। सर कैसे करेंगे आइए फटाफट से मुझे बताएं, मैं इसमें ऐसा क्या करूं कि ये 32 के बराबर आ जाए? सर 8 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी इसका शेयर कितना आ जाएगा? 8/32। सर ये तो बड़ा आसान है निकालना एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में। हाँ बच्चे, अच्छा ये 8/32 में एक और तरीके से निकाल के बताऊं आपको, अगर आप लोग की इजाजत है तो फनी तरीके से। मुझे बताओ ए को मान लो 32 चॉकलेट आपकी फर्म में है। कितनी चॉकलेट आपकी फर्म में बच्चों? 32। ए को 32 चॉकलेट में से 15 मिल जाती है, बी को 32 चॉकलेट में से कितनी मिल जाती है? 9 मिल जाती है। मुझे बताओ 32 में से 15 इसको मिल गई, 9 इसको मिल गई, तो बताओ नए पार्टनर को कितनी मिलेगी चॉकलेट? सर 8 मिलेगी, 8। देखा कितना आसान है। यानी हम अगर एलसीएम ये मल्टीप्लाई ना भी करना चाहें तो भी हम इसे निकाल सकते हैं विदाउट कैलकुलेशन। लेकिन बेटा सीबीएसई बोर्ड में एक प्रेजेंटेशन देना पड़ता है, इसलिए मैंने ये प्रेजेंटेशन आपको दिया है। क्या आप लोग एग्री कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं जल्दी बताइए। हाँ सर हमें पता है सर, आप कहाँ चांद तारों की बातें कर रहे हो। सर फाइनल आंसर बताओ। फाइनल आंसर लिख रहे हैं हम, न्यू रेशियो आ जाएगी मेरे बच्चों। कितनी आई जल्दी बताइए? ए की न्यू रेशियो 15:9:8, यानी रेशियो क्या आ गई? 15:9:8। एग्री करते हो इस बात से या नहीं करते हो जल्दी जल्दी बताइए, आप मेरे से बड़े ज्ञानी बच्चे हैं। तो देखा आपने, पार्टनरशिप फर्म में अगर नया पार्टनर एडमिशन लेता है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाती है। पहले प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या थी? 5:3। अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो चुकी है? 15:9:8 हो चुकी है। क्रिस्टल क्लियर है बात? बोलो हाँ या ना। हाँ सर बात क्लियर है, आप आगे बढ़ सकते हो। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, आइए फटाफट से देखें। वो कहते हैं ए बी एंड सी वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। इलस्ट्रेशन नंबर 2 में आ चुके हैं बच्चों, अब हम आइए फटाफट से 3:2:1 में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बांटते हैं। दे एडमिटेड डी फॉर 10th प्रॉफिट, 10% प्रॉफिट लिखा है बच्चों। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, आइए फटाफट से करेंगे, आप लोग भी करेंगे बच्चों, आप लोग भी करेंगे। आपके सर की कैलकुलेशन खराब है, मैं आपकी कॉपी में देख लूंगा फटाफट से, बड़ा बड़ा लिखना बस आप लोग, ठीक है? सर आप वहां बैठे बैठे कैसे देख लोगे हमें? अरे बच्चों मैं सब देख लेता हूँ, सुन रहे हो मेरी बात? मैं सब देख लेता हूँ। आप भी करेंगे अपनी कॉपी में पेंसिल से या पेन से और मेरी हेल्प करेंगे एलसीएम लेने में। फटाफट से बैठेंगे, फटाफट से कॉपी लेके बैठे फटाफट। आइए आइए इलस्ट्रेशन नंबर 2 देख रहे हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 2 देख रहे हैं बच्चों हम। इलस्ट्रेशन नंबर 2, ए बी सी वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। आप इसको छोटे छोटे कोटेशन में लिख दिया करें, ए बी सी 3:2:1। कोई बच्चा बदमाशी तो नहीं कर रहा, कॉपी पेंसिल लेके नहीं बैठा है तो मैं वहीं पे आके बहुत पिटाई करता हूँ बच्चों में। सुन रहे हो मेरी बात? अरे मजाक कर रहा हूँ, लिखोगे फटाफट तभी तो सीखोगे, फटाफट से लिखो। आपके सर को नहीं आता बच्चों, नहीं आता। 3:2:1, दे एडमिटेड डी इन टू द पार्टनरशिप फॉर 10% प्रॉफिट, फॉर 10% प्रॉफिट। सर इस 10% प्रॉफिट को हम ऐसे लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हो। इसको क्या बोलते हैं बच्चों हम? 1/10। क्लियर है बात? जो पिछले क्वेश्चन में 1/4 था वो इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा बच्चों? 1/10 हो जाएगा। क्लियर हो रही है बात या नहीं क्लियर है फटाफट से बताइए। सर बात क्लियर। सर आगे कुछ बोल रहा है क्या? नहीं बच्चे, अब वो सिर्फ बोल रहा है कैलकुलेट न्यू PSR, PSR मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है, न्यू वाली वो भी। सर ये कैसे कैलकुलेट होती है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो? आइए फटाफट से सेम वही पैटर्न। लेट टोटल शेयर बी वन, रिमेनिंग इज इक्वल टू 1 - 1/10, दैट इज 9/10। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना जल्दी बताइए।
जल्दी बताओ, आप मेरे से बड़े ज्ञानी बच्चे हो, फटाफट से बताएंगे। सर हाँ सर, हाँ सर, हाँ क्लियर है सर, बात क्लियर है सर, बात क्लियर है। आइए, ए का नया शेयर कैसे आएगा, आप हेल्प करेंगे मेरी। सर ये जो रिमेनिंग शेयर है ये ए को भी मिलेगा, बी को भी मिलेगा और सी को भी मिलेगा, भाई साहब मिलेगा कि नहीं मिलेगा, फटाफट से बताएंगे। हाँ सर बिल्कुल मिलेगा सर। तो 9/10 का ए को कितना मिलेगा सर? 3/3 = 5 और 1/6 = 3/6। 9/3 का कितना होता है बच्चों? 27। बोलो हाँ या ना? हाँ सर। 60। बोलो हाँ या ना? हाँ सर। बी का नया शेयर निकालेंगे, मेरे साथ साथ लिख रहे हैं। अरे मेरे सिंचैनो, साथ साथ लिखोगे साथ साथ तभी दिक्कत नहीं आएगी आपको। क्लियर हो रही है बात या नहीं क्लियर है, फटाफट से बताएं। सर बात क्लियर है, सर बात क्लियर है, आप आगे बढ़ो सर, आप आगे बढ़ जाओ। ठीक है, 9/10 का बी का कितना शेयर बता रहा है बच्चों? 3/6 ओहो सॉरी 2/6 है। सर आप बूढ़े हो गए हो क्या, आपको दिखता नहीं है क्या? हाँ बेटा बूढ़े हो गए आपके साथ, 2/6 लिखा है, बता नहीं सकते तुम। ठीक है, 9/2 जा कितना होता है बच्चों? 18। 10/6 = 60। ऐसे ही सी का नया शेयर बताएं, सी का नया शेयर बताएं मेरे छोटे छोटे बच्चों। 9/10 का 1/6 दैट इज 9/1 = 9 = 60। और डी का शेयर तो हमें पता ही था बच्चों, डी का शेयर तो हमें पता ही था मेरे बच्चों। हाँ जी सर पता था, सर पता था। डी का शेयर कितना है? 1/10। डी का शेयर कितना है बच्चों? 1/10 है। क्लियर हो रही बात है नहीं क्लियर है, फटाफट से बताएंगे। सर बात तो बिल्कुल क्लियर है सर। 1/10 का सर यहाँ तो 60 60 60, तो इसको भी 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे ना सर आप, तो पता है सर 60 ही आ जाएगा। मैं तो पहले से बोल रहा था तुम मेरे से बड़े ज्ञानी हो। ठीक है, हाँ सर, हाँ सर, हाँ। तो सर आंसर क्या आ गया हमारा न्यू रेशियो, जल्दी चेक करें आंसर क्या आ गया बच्चों। सर आंसर आ चुका है ये हमारा 27:18:9:6। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। न्यू शेयर हमारा कितना आ गया बच्चों? 27:18:9:6। सर अगर ये और कट सकता है तो और काट दे, बिल्कुल काट दो बच्चा। ये 3/2 = 6 होता है, 3/3 = 9 होता है, 3/9 = 18 होता है, ओ सॉरी 3/5 = 15, 3/6 = 18 होता है और 3/9 = 27 होता है। तो 9:6:3:2 रेशियो आ जाएगी। एक बार चेक कर लो फटाफट से। हाँ जी सर, 9:6:3:2 रेशियो है। फटाफट से आप इसको कॉपी करेंगे, फटाफट से कॉपी करेंगे मेरे बच्चों। और जिसका कॉपी नहीं हुआ वो वीडियो पॉज करके कॉपी कर लीजिए। हाँ सर, हाँ बच्चों मैं देख रहा हूँ एक एक बच्चे को, आप फटाफट से करेंगे कॉपी और सॉल्व भी करेंगे क्वेश्चन। ठीक है बेटा, आइए आइए, बड़ा विचित्र क्वेश्चन करें। कोई केस नहीं होता बेटा रियल लाइफ में, रियल लाइफ में कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने का कोई केस नहीं होता। आपको तो जैसे जैसे क्वेश्चन बोलेगा वैसे वैसे अप्लाई करते चले जाने ये चीज़ें। कौन सी बड़ी बात आ गई इसमें, जल्दी बताओ। हाँ सर कोई बड़ी बात नहीं आई, सर आप आगे बढ़ो, सर आप आगे बढ़ो। ठीक है, हम इलस्ट्रेशन नंबर 4 पढ़ सकते हैं बच्चों, फटाफट से बताएं। सर बिल्कुल पढ़ सकते हैं, आइए मिटा दूं बेटा इसे। सर मिटा दीजिए बच्चों, तुम बोर तो नहीं हो रहे बच्चों? नहीं सर हम नहीं हो रहे हैं बोर। ठीक है, ये तो अच्छी बात है। आइए इलस्ट्रेशन नंबर हम कौन सी देख रहे हैं, हम इलस्ट्रेशन नंबर देख रहे हैं मेरे बच्चों। कौन सी थी बच्चों वो, ये तो पलट गया पेज ही। सर ये थी हमारी इलस्ट्रेशन नंबर 4, फोर्थ इलस्ट्रेशन। वो कहते हैं ए एंड बी, ध्यान से पढ़ेंगे सुकून से। वो कहते हैं ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 5:4। भाई साहब दे एडमिटेड सी फॉर 1/10 शेयर ऑफ द प्रॉफिट्स विच ही एक्वायर। बेटा यहां चेंजेस आ गया, देखो जरा फटाफट से। विच ही एक्वायर्स इन इक्वल प्रपोर्शन फ्रॉम बोथ, फाइंड आउट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। है सर ये क्या पूछ लिया इसने, आओ फटाफट से कोटेशन लिखते रहते हैं फिर देखेंगे। कोटेशन तो लिखे बेटा हम पहले, आइए हम देख रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 4। वो कहते हैं ए बी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:4, दे एडमिटेड सी फॉर 1/10 शेयर। ठीक है, यहां पे एक बात लिखी गई है, ये जो 1/10 शेयर है इक्वली एक्वायर करेगा,
लिखा है ना, विच ही एक्वायर इन इक्वल प्रपोर्शन है, मतलब मेरे बच्चों 1/10 का आधा, 1/10 का आधा इसे देगा मिस्टर ए और 1/10 का ही आधा इसको देगा मिस्टर बी। ओ अच्छा ये लिखा है सर ये, हाँ बेटा बड़ा सिंपल है, बड़ा सिंपल है, इसमें कोई रॉकेट साइंस तो है ही नहीं। अब इसको हमें सॉल्व करना है, और कौन सी बड़ी बात हो गई बताइए फटाफट से। नहीं सर कोई बड़ी बात नहीं हुई सर, आप आगे बढ़ो सर, आप आगे बढ़ो। आइए हम आगे बढ़ रहे हैं, मेरे साथ साथ चलेंगे, ना आगे ना पीछे, आइए फटाफट बच्चों लिखेंगे। अब क्योंकि हमें पता है कि ए का 1/10 शेयर, सॉरी सी का 1/10 शेयर का आधा ए देगा। अब इस ए के देने को मैं एक वर्ड दे दूं बेटा, ए सेक्रीफाइस करेगा। आइए हमने एक अकाउंटिंग वर्ड और सीखा, इंग्लिश वर्ड और सीखा, ए क्या करेगा मेरे बच्चों, सेक्रीफाइस करेगा भाई साहब। अच्छा ए सेक्रीफाइस करेगा सर, हाँ बेटा आइए लिखेंगे, लिखेंगे फटाफट से मेरे साथ। ए सेक्रीफाइस, ए सेक्रीफाइस कितना करेगा सर, 1/10 का आधा, मतलब 1/10 का आधा कितना होता है बच्चों, 1/20। ऐसी बी कितना सेक्रीफाइस करेगा जल्दी बताएं मेरे बच्चों, सर ये भी 1/10 का आधा ही तो सेक्रीफाइस करेगा, दैट इज 1/20। बोलो हाँ या ना, यहां तक क्लियर है? ठीक है, अगर ए ने अपने शेयर में से 1/20 हिस्सा सेक्रीफाइस कर दिया तो ए के पास कितना हिस्सा बचा? सिंपल सीधी सी लॉजिक है सर, कैसे कैसे? अरे मान लो ए के पास, ए बी सी क्यू मानना, मान लो ये है आपका रामचरण, ये है रामचरण, सर इसकी शक्ल तो बना दो, लो तुम भी बड़े वहमी किस्म के इंसान हो, लो शक्ल भी बना दी मैंने। ये है मिस्टर श्याम, ये है मिस्टर श्याम, देखो इसके पास 20 चॉकलेट्स हैं, इसके पास 50 चॉकलेट्स हैं। मिस्टर रामचरण बोलता भाई साहब देखो ऐसा है, मैं तो 1/20 चॉकलेट सेक्रीफाइस कर दूंगा, ये हमारे क्वेश्चन में था, कितनी चॉकलेट सेक्रीफाइस कर देगा, 1/20। अगर मैं बोलूं आपकी लैंग्वेज में मिस्टर रामचरण के पास नई चॉकलेट्स कितनी बचेगी, सर सिंपल सीधी सी बात है, पुरानी चॉकलेट्स जितनी है उसमें से आप माइनस कर दो, मान लो 5 चॉकलेट्स वो सेक्रीफाइस कर रहा है, कितनी चॉकलेट सेक्रीफाइस कर रहा है, 5, तो पुरानी चॉकलेट्स में से सेक्रीफाइस वाली चॉकलेट अगर मैं माइनस कर दूं तो नई चॉकलेट बचेगी रामचरण के पास, बोलो हाँ या ना सर, जल्दी बताइए हाँ या ना। हाँ सर सिंपल है, पुराना शेयर जो भी होगा ए का, आइए लिखा लेते हैं, पुराना शेयर जो भी होगा ए का उससे नया शेयर निकलेगा, तो लिखेंगे एज न्यू शेयर, एज न्यू शेयर इज इक्वल टू, पुराना कितना है बेटा 5/9, माइनस, माइनस कितनी चॉकलेट सेक्रीफाइस कर रहा है बेचारा ए, सर 1/20th, करो फटाफट से करो, एलसीएम निकालो फटाफट से करो, मैं टाइम बचाऊंगा बच्चों, आपको सॉल्व करना है फटाफट से। ऐसे ही निकालेंगे किसका मेरे बच्चों, बी का नया शेयर, बी का नया शेयर कैसे आएगा बच्चों, 4/9 माइनस 1/20 माइनस क्या बच्चों, 1, आपको करना है, मैं नहीं करूंगा, मार डालूंगा वरना, मैं आपको खुद करना है ये सॉल्व। तो सर ए का शेयर तो आ रहा है, अगर मैं बुक का आंसर देखूं तो ए का शेयर आ रहा है बच्चों 91/180 और बी का आ रहा है 71/180। क्लियर हो रही बात, आशा करता हूं आपका एलसीएम निकालना आता होगा। हाँ जी सर बिल्कुल आता है सर, आप आगे बढ़ो। तो ए का नया शेयर आ गया 91/180, बी का नया शेयर आ गया 71/180, तो बताइए सी का नया शेयर तो पता ही है आपको, हाउ मच, 1/10, बोलो हाँ या ना, 1/10 है सी का शेयर, बोलो हाँ या ना। सर हाँ, अब वही बात करेंगे 180 तो यहां भी 180 रखने के लिए 18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हाँ सर हाँ 18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो बताइए न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या आ गई, न्यू रेशियो क्या आ गई मेरे बच्चों, आप बताइए फटाफट से, ए बी और सी 91/71 और 80, 91:71:18। क्लियर है बात, चेक करो आंसर, हाँ जी सर आंसर तो ठीक है हमारा, यहां तक बात क्लियर है या सब बाउंसर जा रहा है, फटाफट से बताइए।
सोचो सोचो फटाफट से, सर आप हट जाओ, सर आप स्क्रीन से हट जाओ, सर हमें कॉपी करने दो। ठीक है झगड़ा मत करो, कर लो कॉपी, लो करो फटाफट से कॉपी, मार डालूंगा वरना, जल्दी कॉपी करोगे। सर हो गया, सर हो गया, वीडियो पॉज करके कॉपी कर लेना। सर आप आगे बढ़ो, सर हम चलते चले जाएंगे, सर हम चलते चले जाएंगे। इस एडमिशन ऑफ अ पार्टनर वाले चैप्टर को खा जाना है बच्चों आपको, क्योंकि 3 से 4 नंबर के क्वेश्चन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से ही आ जाते हैं बच्चों इस चैप्टर में। बात क्लियर है या बाउंसर जा रहा है, फटाफट से बताएं। सर बात बिल्कुल क्लियर है, आगे बढ़ूं या ना बढ़ूं जल्दी बताइए। सर बिल्कुल आगे बढ़ जाइए, सर आप आगे बढ़ जाइए, आगे बढ़ जाइए सर। ठीक है आइए मैं आपके लिए अच्छा सा क्वेश्चन ढूंढ दूं बच्चों। हाँ इलस्ट्रेशन नंबर 5 देखें फटाफट से, फटाफट से इलस्ट्रेशन नंबर 5 पेज नंबर 4.5। सर आप इसको मिटा क्यों नहीं देते? ठीक है बेटा मैं मिटा रहा हूं, सोए तो नहीं बच्चों? ठीक है आइए 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 सर, फिफ्थ इलस्ट्रेशन देखें फटाफट। वो कहते हैं नरेश, वो कहते हैं नरेश एंड नमित आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1। दे एडमिटेड निमिश इनटू द पार्टनरशिप फॉर 25% शेयर ऑफ प्रॉफिट। भाई साहब अच्छा अच्छा भाई साहब, वो कहते हैं निमिश एक्वायर, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, निमिश एक्वायर द शेयर फ्रॉम ओल्ड पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। मेरे बच्चे निमिश एक्वायर करता है शेयर 3:2 रेशियो में। है सर अब ये क्या आ गया, सर ये क्या आ गया? अरे बहुत आसान है, तुम वहमी किस्म के इंसान हो, बस तुम डरते क्यों हो? आओ फटाफट से फिफ्थ देखो, फटाफट से देखो। वो कहते हैं नरेश, सर नाम तो पूरा लिखना ही पड़ेगा, इन्होंने ना जान मुझ के एम से ही दिए हैं नाम। हाँ बच्चों बहुत बदमाश होते हैं ये लोग। 2:1 दे एडमिटेड निमिश, वो निमिश का एडमिशन चाहते हैं, वो निमिश का एडमिशन चाहते हैं बच्चों। ठीक है लिखेंगे फटाफट, वो किसका एडमिशन चाहते हैं बच्चों? निमिश का एडमिशन चाहते हैं। सर कितने का? सर ई है, सर ई है 25% शेयर। आप जानते हैं बच्चों 25% को हम 1/4 बोल सकते हैं? हाँ सर हाँ हम जानते हैं, वेरी गुड बच्चों। मैं तो पहले से कहता था तुम्हें, किसने कहा ट्यूशन लगाने के लिए, है ना? तुम तो ज्ञानी बच्चे हो। आइए फटाफट से मेरे साथ साथ पढ़ें। निमिश एक्वायर द शेयर फ्रॉम ओल्ड पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। बच्चों निमिश ने एक जिद कर दी, बोला भाई साहब ऐसा नहीं चलेगा कि आप इक्वल शेयर दो और आप इक्वल दो, ऐसा है ए और बी देंगे 3:2 रेशियो में शेयर। है सर मतलब ये जो शेयर मिलेगा, ये जो शेयर निमिश को दिया जाएगा कौन सी रेशियो में दिया जाएगा बेटा? 3:2 में। सर मतलब 3:2 में सेक्रीफाइस करेंगे नरेश और नमित, ये जिद है। जैसे पिछले क्वेश्चन में इक्वली सेक्रीफाइस कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे, इस क्वेश्चन में क्या होगा? ये 1/4 शेयर देंगे नरेश और नमित, कौन से रेशियो में? 3:2 रेशियो में देंगे बच्चों। बात क्लियर है या बाउंसर जा रहा है, फटाफट से बताएं, आप मेरे से बड़े ज्ञानी बच्चे हैं। सर बात क्लियर है, सर आप कर दो फिर, सर कर दो कर दो। सर लिखो, एक काम करो आप लिखो, नरेश ने कितना त्याग किया? त्याग को बोलते हैं अंग्रेजी में सैक्रिफाइस। कितना किया नरेश ने? सैक्रिफाइस किया 1/4 शेयर का, 1/4 शेयर का कितना? 3/5। बोलो हा या ना, बोलो जल्दी से हा या ना। सर बात क्लियर है, सर आप आगे बढ़ो। तो भाई साहब नरेश ने सेक्रीफाइस किया 1/4 शेयर का 3/5 हिस्सा, ये कितना होता है बेटा? 3/20। इसमें किसी को कोई शक? सर बिल्कुल कोई शक नहीं। सर आगे लिखेंगे मेरे साथ साथ, नमित ने सेक्रीफाइस किया, नमित ने सेक्रीफाइस किया 1/4 शेयर का 2/5 हिस्सा, That is 2/20। बोलो हाँ या ना। यानी भाई साहब नरेश ने करा इतना सेक्रीफाइस और नमित ने किया इतना सेक्रीफाइस भाई साहब। तो सर फिर अब क्या करें? बस बेटा बस खत्म हो चुका है, अब तो दोनों का नया शेयर निकालना है भाई साहब, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? आइए फटाफट से, आइए लिखें फटाफट से, नरेश का नया शेयर कैसे आएगा? सर नरेश के पुराने शेयर में से
त्याग वाला शेयर हटा दो, सिंपल। इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है सर? यानी 2/3 में से, 2/3 में से हम कितना हटा देंगे बच्चों, कितना हटा देंगे बच्चों? सर जितना इसने सेक्रीफाइस किया, 3/20 करेंगे खुद आप फटाफट से, फटाफट से करेंगे खुद। नमित ने न्यू शेयर कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? सर 1/3 में से माइनस कर देना 2/20, बोलो है ना सर? फटाफट से बता दीजिए कितना आ गया सर मेरे बच्चों। ये नरेश का तो आ रहा है 31/60 और नमित का आ रहा है बच्चों 14/60, 14/60। ठीक है सर, ठीक है सर। सर यहां भी 60, यहां भी 60, सर यहां भी 60, यहां भी 60। तो निमिश, निमिश में भी कर दो ना सर 1/4। तो 4 के टेबल में 60 कब आता है मेरे बच्चों? इसको मैं 15 से मल्टीप्लाई कर दूं तो चलेगा? हाँ सर कर दो, सर कर दो 15 से। तो ये आ जाएगा 40, 4, 5, 20, 40, 60। ठीक है 15/60, यानी कि नया शेयर क्या आ चुका है मेरे बच्चों, जल्दी बताएं। सबके नया शेयर क्या आ चुके हैं? 31:14:15, 31:14:15। क्लियर है बात यहां तक? या बाउंसर सर? हाँ सर आप एक बार चेक कर लो सर। हाँ 31:14:15 आ चुका है, 31:14:15 आ चुका है। क्लियर है बात बेटा? ये कॉपी भी कर लिया बच्चों आपने, 31:14:15। ये हमारा न्यू शेयर है। यहां तक क्रिस्टल क्लियर बात आपको? और चैप्टर में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सर मजा क्या, इस तो सजा लग रहा है हमें। अरे सजा क्या, ये ऐसे ऐसे टुच्चे टुच्चे क्वेश्चन आपको 4-4 मार्क्स देने वाले हैं। आप खुद बताओ 4 मार्क्स इसके मिल रहे हैं तो क्या नहीं ले पाओगे आप 4 मार्क्स? जल्दी बताइए कितना आसान है 12th स्टैंडर्ड, कितनी आसान है 12th स्टैंडर्ड में एडमिशन ऑफ अ पार्टनर? आप जब बड़े बच्चे बनेंगे तो दोबारा करेंगे ये चैप्टर। हो सकता है आप CA करें, CS करें, CMA करें, कोर्स करेंगे बड़े बड़े कि नहीं करेंगे? हाँ सर, तब भी ये चैप्टर्स आएंगे तो तब भी परेशान करेंगे। उससे बढ़िया अभी परेशानी लेकिन निपटाओ इसे, बाद में पढ़ने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। क्लियर हो रही है बात? बोलो हाँ या ना? हाँ सर बात क्लियर है सर। आप आगे बढ़ो सर, आप आगे बढ़ो सर। कोई क्वेश्चन ढूंढो ना सर हमारे लिए भी, हमारे लिए भी कोई क्वेश्चन ढूंढो ना सर। ठीक है मैं ढूंढ रहा हूँ बच्चों आपके लिए, आ जाओ। बड़ा मस्त क्वेश्चन मिला है बच्चों। इलस्ट्रेशन नंबर सिक्स देखें। मैं इसको मिटा दूं बच्चों। बोलो हाँ या ना? हाँ सर आप मिटा दीजिए। चलिए फिर लिखते हैं आगे, पढ़ते हैं आगे। आइए आइए तसल्ली से पढ़ेंगे बच्चों हम, ठीक है? हाँ जी, अब क्वेश्चन पढ़ते हैं तसल्ली से। सर ठीक है, सर ठीक है, हम पढ़ रहे हैं सर क्वेश्चन। वो कहते हैं बच्चों ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। ए सरेंडर 1/5 ऑफ हिज शेयर, हैं ये क्या लिखा है सर बताता हूं, वेयर एज बी सरेंडर 2/5 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ सी। सर समझ में नहीं आया ये क्या बोला? अरे बड़ा सरल है, बड़ा सरल है, लेमैन लैंग्वेज में समझो। मान लो मेरे बच्चों, मान लो ये है ए और ये है बी। ए के पास 50 चॉकलेट्स हैं, बी के पास 60 चॉकलेट्स हैं। ए कहता है मैं अपनी चॉकलेट में से 1/4 चॉकलेट नए पार्टनर के नाम कर देता हूं। वही लिखा है, पढ़ो आप फटाफट से, पढ़ो अब अंग्रेजी में पढ़ो। ए सरेंडर 1/5 ऑफ हिज शेयर, मेरे एग्जांपल में 1/4 था, इसमें क्या बोल दिया 1/5 ऑफ हिज शेयर, यानी उसकी चॉकलेट्स कितनी है 50। तो 50 चॉकलेट का 1/5 हिस्सा पहले निकालना पड़ेगा और फिर देना पड़ेगा किसको? नए पार्टनर को देना पड़ेगा। क्लियर हो रही है बात या बाउंसर जा रहा है? अभी भी बता दीजिए फटाफट से। हाँ सर बात क्लियर है सर। आप इसको ना कोटेशन के रूप में लिखोगे ना तो ज्यादा बेटर होगा सर। ठीक है हम कोटेशन के रूप में इसको लिख लेते हैं। आइए फटाफट से। वो कहते हैं ए बी दो पार्टनर्स हैं, रेशियो है 3:2। ए सरेंडर 1/5 ऑफ हिज शेयर, बी सरेंडर
2/5 ऑफ हिज शेयर. किसको दे रहे हैं ये? इन फेवर ऑफ बेटा सी को. सी को दिया जा रहा है. मजे की बात देखी आपने, सी को कितना शेयर मिल रहा है. इस बार डायरेक्टली नहीं बताया, इस बार इनडायरेक्टली बता दिया आपको. सर कैसे कैसे इनडायरेक्टली कैसे बताया? अरे देखो ना बेटा, ए ने कुछ चॉकलेट्स फेंक के मारी, बी ने कुछ चॉकलेट्स फेंक के मारी सी को, सी ने वो चॉकलेट्स कैच कर ली. तो जितनी जितनी चॉकलेट्स ए और बी फेंक के मारेंगे वो सी कैच कर लेगा. इसका मतलब हम सी की चॉकलेट्स में वो जोड़ देंगे, आ जाएगा सी का शेयर. बड़ा सरल है कि नहीं सरल है? जल्दी बताएं, आप मेरे से बड़े ज्ञानी बच्चे हैं. सर हाँ बिल्कुल सरल है. सर आप आगे बढ़िए आगे बढ़िए. ठीक है हम आगे बढ़ते हैं बच्चों. लिखेंगे मेरे साथ, हमें पहले निकालना पड़ेगा. लिखें ए सैक्रिफाइस अपनी चॉकलेट्स का 1/5 हिस्सा निकालो. उसकी चॉकलेट्स हैं कितनी? सर 3/5 उसकी चॉकलेट्स हैं. अपनी चॉकलेट्स का 1/5 हिस्सा निकाल रहे हैं, यानी 1/5 ऐसे कर रहे हैं. कितना होता है बच्चों ये? 3/5 × 5 = 25. ऐसे ही बी सैक्रिफाइस, मेरे साथ साथ लिखेंगे तभी मजा आएगा बच्चों. अपनी चॉकलेट्स का कितना हिस्सा? अपनी चॉकलेट्स का कितना हिस्सा? 2/5 हिस्सा. अपनी चॉकलेट्स का कितना हिस्सा बच्चों? 2/5 हिस्सा अपनी चॉकलेट्स का. अच्छा 2/5 हिस्सा अपनी चॉकलेट्स का होता है 2 × 2 = 4 × 5 = 25. यानी ए सैक्रिफाइस कर रहा है 3/25, बी सैक्रिफाइस कर रहा है 4/25. मेरे बच्चे ये त्याग रहा है ना, ये त्याग किसकी जेब में जाने वाला है मुझे आप बताइए. मेरे से बड़े ज्ञानी बच्चे हैं. सर ये त्याग जाने वाला है किसकी जेब में? सी की जेब में. देखा तुमने सर कैसे कैसे कैसे? अरे देखो 3/25 प्लस कितना बेटा? 4/25. कितना होता है बच्चों ये? 4, 5, 6, 7. ठीक है बेटा, ठीक है मेरे बच्चों. तो 7/25 सी का शेयर आ गया. बस काम खत्म होने वाला है. अब हमें किसका शेयर निकालना बाकी है बच्चों? ए और बी का शेयर निकालना बाकी. बात क्लियर है या बाउंसर जा रहा है? फटाफट से बताइए. सर वो कैसे निकलेगा? अरे बड़ा सिंपल. ए का नया शेयर देखो कितनी आसानी से निकल जाएगा. सर कैसे निकलेगा ए का नया शेयर? देखो फटाफट से, ए का पुराना शेयर है कितना? ए का पुराना शेयर है कितना? 3/5. माइनस कर देना जितना ए ने क्या किया है बेटा? सैक्रिफाइस किया है. ए ने सैक्रिफाइस किया है 3/25. ठीक है मेरे बच्चों, आइए फटाफट से करेंगे आप. 5 × 5 = 25, 5 × 3 = 15. 1 × 3 = 3, दैट इज 12/25. आइए फटाफट से लिख लेते हैं बी का नया शेयर. बी का पुराना शेयर कितना है? 2/5 माइनस 4/25. 5 × 5 = 25, 5 × 2 = 10. 4, 6/25. और सी का शेयर तो हमें पता ही है. तो न्यू शेयर में यहां लिख दूं बेटा? जल्दी बताइए. हाँ सर आप यहां लिख दो. न्यू शेयर आ जाएगा हमारा कितना बेटा? 12/25, 6/25, 12:6:7. बोलो हाँ या ना. 12:6:7. बोलो हाँ या ना. आप मेरे से बड़े ज्ञानी बच्चे हैं, फटाफट से बताएं. हाँ सर हाँ, एक बार चेक भी कर लेते हैं सर. ठीक है 12:6:7. प्लीज़ कॉपी कर रहे हैं तसल्ली से कॉपी पेंसिल लेके बैठें और फिर ही कॉपी करें. फटाफट से कॉपी कर रहे हैं. ठीक है सर, सर कॉपी हो चुका है. सर आप आगे बढ़ो. सर आप जी बच्चों, तो आपने देखा इलस्ट्रेशन नंबर 6 कितनी आसान थी. अब सर और कैसी इलस्ट्रेशंस आएंगी और कैसे कैसे पढ़ाव आने वाले हैं इस चैप्टर में, जानने के लिए करना पड़ेगा मेरे बच्चों अगले अध्याय का इंतजार. तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, गॉड ब्लेस. मज़े करो बच्चों.